सो गाइस हम आ चुके हैं कॉपी पे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वो 13 होने वाला है। कहने का मतलब कि वीडियो का पार्ट नंबर 13वां होने वाला है। यह वीडियो यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आईईसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सब्जेक्ट की बनाई जा रही है। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है हीट सिंक क्या होता है एंड सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो सिर्फ स्टडी पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मिलती है और कहीं नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बिना किसी देर का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यार देखो, सबसे पहले हीट सिंक क्या होता है और इसका चयन कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। तो हीट सिंक होता क्या है पहले ये समझ लो, देखने को कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी हम थोड़ा आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कामा इनवर्टेड कामा में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, धातु की सीट, ध्यान देना, धातु की सीट जिसके माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अतिरिक्त ऊष्मा को बाहरी वातावरण, ठीक है, बाहरी वातावरण को संचरित किया जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है, हीट सिंक कहलाता है। कहने का मतलब गाइस, यह एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जहाँ पे अगर हीट उत्पन्न हो रहा है हम उसको लगा देंगे तो उसको ठंडा करेगा, यानी कहने का मतलब हमारी डिवाइस की कूलिंग करेगा, तो हीट सिंक यही हो गया। देखने को कहाँ मिलेगा मैं बता दूँ, देखने को गाइस जहाँ पर से एक प्रकार से ट्रायक की ही तरीके से होता है, ट्रायक हो गया, थायरिस्टर हो गया, उसी तरीके उस जहाँ पर होता है वहाँ पर ये लगाया जाता है, क्योंकि ट्रायक की जो पिछली वाली प्लेट होती है वो एक प्रकार के मटेरियल्स होते हैं। जब वो मटेरियल्स होते हैं भाई, तो एल्युमिनियम की मिलेगी ज़्यादातर आपको देखने को, कहीं की कॉपर भी मिलेगा लेकिन ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ एल्युमिनियम में। उसके बाद यूपीएस में आपको मिल जाएगी, यूपीएस इन्वर्टर वगैरह, इन्वर्टर यूपीएस एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर होते हैं, तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर चार्जर कोई बड़ा सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जर, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे हीट सिंक। ठीक है, आप नेट पर सर्च कर लें हीट सिंक और इमेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको हीट सिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार फिगर देख लेंगे तो अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, हीट सिंक ये होता है। अब देखिए थोड़ा सा और विशेष बातें इसमें। ठीक है, देखिए यहां पे जो है गाइस, प्रत्येक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ध्यान देना, प्रत्येक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी परिपथ में संयोजित किए जाने, ठीक ना, में संयोजित, किसी परिपथ में संयोजित किए जाने कामा परिपथ के परिचालन के दौरान कुछ न कुछ हीट उत्पन्न करते हैं। आपको पता है भाई, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑपरेट हो रही है तो वह थोड़ा बहुत गर्म होगा, मतलब हीट उसमें जरूर आ जाएगा। ठीक है, हाई पावर की सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि पावर ट्रांजिस्टर या सीआरएस आदि में तो प्रोड्यूस हीट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है भाई। ये मॉस्फेट वगैरह जो होते हैं, इस तरीके के जो होते हैं पावर ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं या सीआरएस होते हैं, इसमें क्या होता है हीट सिंक लगाना बहुत जरूरी भाई, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, नहीं लगाएंगे वो जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर भाई लोड पड़ता है। ठीक है, अतः इस हीट को वातावरण में डिसपेट, यानी डिसपेट मतलब कि उसको निकालना, वातावरण में डिस्पेच करना, निकालना मतलब वहाँ से वातावरण में पहुँचाना उसको हीट को, ठीक है, ताकि वो ठंडा हो सके। ठीक है, किया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका ताप, जो हमारे डिवाइसेस हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है, यानी जो हमारे पावर डायोड्स वगैरह हो गए, पावर ट्रांजिस्टर्स वगैरह, ठीक है, या सीआरएस हो गए, उनकी रेटिंग से अधिक ना हो जाए, क्योंकि हर चीज़ की गाइस एक रेटिंग होती है। अगर उससे ज़्यादा एक बार ताप गर्म हो गया तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में भूल गया था कि क्या उसमें चेंज होता है, तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है ट्रांजिस्टर का, अगर उसकी मतलब क्या होगा उसमें ज़्यादा हीट हो गई तो, इस वजह से दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अधिक ना हो जाए तथा वह नष्ट ना हो। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा भाई नष्ट भी हो जाता ट्रांजिस्टर, मतलब पावर ट्रांजिस्टर बात करें जहाँ पे हीट सिंक वगैरह यूज़ करते हैं, अगर नहीं करेंगे तब। अतः इन कंपोनेंट को कूल, यानी ठंडा, कूलिंग के लिए उद्देश्य से हीट सिंक का यूज किया जाता है भाई। हीट सिंक यही होता, कहने का कुल मिला जुला कर मतलब यही था भाई कि कूलिंग करने के लिए करते हैं। अब भाई अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही वाला लिखना है भाई हमको यही वाला, आप अपने से भी समझ के लिख सकते हो। हमने बता दिया बेसिक सा आइडिया, फिगर एक बार देख लोगे। अब गाइस हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक, यानी जो हीट सिंक होता है उसका हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो समझिए आगे। देखिए हीट सिंक का डिज़ाइन तथा सिलेक्शन किसी सर्किट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं कि चाहे जिस तरीके के एल्युमिनियम की सीट तरीके से काट उट कर लाएँ और उसमें लगा दिए और कूलिंग करें, नहीं भाई, हर चीज़ का एक डिज़ाइन होता है, किस तरीके के कहाँ पर लगाने उसका। अब देखो कहीं इतना बड़ा हीट सिंक जरूरत है तो इतना बड़ा ले जाके लगा दोगे, थोड़ी होगा काम, वहाँ पर आपका लॉसेस हो जाएगा, इकोनॉमिकल हानि
आसानी होगी आपकी, ठीक है। तो इस वजह से जहां जरूरत होगा, जिस अनुसार होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, क्योंकि हीट सिंक हीट को ट्रांसफर करने हेतु पाथ प्रदान करता है, मतलब रास्ता प्रदान करता है, तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अत्यधिक हीट यानी ज्यादा हीट होने के से प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है, मतलब ज्यादा ना हीट हो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रदान करता, सहायता करता है, ठीक है। अब देखो जो है हीट सिंक के सिलेक्शन होती हेतु निम्न बातें हैं, और निम्न बातें कौन कौन सी हैं, आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहला बुलेट नंबर वन, ठीक है, बुलेट नंबर, इसको बुलेट बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट भी बोल सकते हैं, एक नंबर दो नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने बुलेट बना दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखिए वातावरण का अधिकतम ताप कितना है, वातावरण का अधिकतम ताप कितना है, तथा जिस एप्लीकेशन में हीट सिंक का प्रयोग किया जा रहा है उसमें कितनी पावर डिसअपिएट हो रही है, मतलब लॉसेस हो रहे हैं, पावर कितनी खत्म हो रही है, कितना ज़्यादा ऊष्मा निकल रही है, सब कह सकते हो, पावर लॉस होती भाई आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर एच एच हो जाएगा, हीट निकलने लगे आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है, तो हीट वाला आ जाएगा। यदि उपरोक्त का ध्यान रखें, मतलब जो बातें हमने ऊपर बताई उसकी बात कर रहा है, ठीक है, यदि उपरोक्त का हम ध्यान रखा जाए तो सही आकार के हीट सिंक का चुनाव किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आवश्यकता से छोटी, ध्यान देना, आवश्यकता से छोटी हीट सिंक लगाने पर वह बर्न हो जाएगा। कहने का मतलब जरूरत भाई हमको देखो इतनी बड़ी हीट सिंक की थी तो हमने एक छोटा सा लगा दिया तो भाई काम थोड़ी करेगा, जल जाएगा आपका डिवाइस जो सेमीकंडक्टर से बना है, तो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए जैसी जरूरत हो, जैसे रिक्वायरमेंट हो, हम वैसा यूज करेंगे, ठीक है, बर्न हो जाएगा मतलब जल जाएगा या कट हो जाएगा, तथा जरूरत से ज़्यादा हीट सिंक यूज करने से अनावश्यक रूप से धन की हानि होती है। हमने ये भी बताया था आपको कि हमें जरूरत इतना बड़ा है तो हम इतना बड़ा थोड़ी लगा देंगे, इतना बड़ा अगर लगा भी दिए भाई हमारी इकोनॉमिकल हानि होगी ना, क्योंकि भाई ज़्यादा पैसे फंसा दिया हमने, हमें तो जरूरत ही छोटे की, ठीक है। अब देखो यार हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा बुलेट नंबर टू में क्या है, दो सतहों के बीच हीट ट्रांसफर करने में, ध्यान देना, दो सतहों के बीच हीट ट्रांसफर करने में थर्मल इंटरफेस मटेरियल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है, दो सतहों के बीच हीट को हमें ट्रांसफर करने के लिए थर्मल इंटरफेस मटेरियल का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी, इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वाट प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस या वाट मीटर केल्विन में की जाती है, ध्यान देना, उपर्युक्त सभी यानी उपरोक्त जो ऊपर सब चीज बातें बताई यहाँ पर, उपरोक्त सभी पैरामीटर्स या कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं, उपरोक्त सभी पैरामीटर्स एम्बिएंट, ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर यानी वातावरणीय टेम्परेचर, पावर डिस्पेशन, ठीक है, पावर डिस्पेशन एंड, ठीक है, एंड क्या, थर्मल इम्पीडेंस पाथ को, थर्मल इम्पीडेंस पाथ को डिफाइन करने के पश्चात उपर्युक्त आवश्यकताओं का पूरा करने वाले हीट सिंक का चुनाव किया जाता है। कहने का मतलब जितना हमने ये रूल वगैरह बताए इन सबको आप मतलब इसके बारे में भाई करोगे, इसी के अनुसार आप चुनाव करोगे, ठीक है, हीट सिंक का सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक के बारे में। सो गाइस इस तरीके से आपने लेक्चर नंबर 13 में इस दोनों टॉपिक के बारे में जाना। अगले वीडियो में माउंटिंग वगैरह बताएंगे, प्रोटेक्शन बताएंगे, क्वाडैक बताएंगे, तो अगली वीडियो देखने के लिए बने रहना। और मैं बता दूं कि अगर इसका आपका इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा। पहली बार वीडियो पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।